आपको एक ऐसे आदमी से मिलाते हैं जो कार भी हेलमेट पहनकर चलाते हैं। तो चलिए मिलिए विष्णु शर्मा जी से, जिन्हें हेलमेट पहनकर अपनी मारुति ओमनी को चलाते हुए देखा गया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने कार के अंदर हेलमेट क्यों पहन रखा है, उन्होंने बताया कि वो अपनी मारुति ओमनी से भरतपुर आगरा हाईवे पर जा रहे थे, तभी रास्ते में चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। उसके बाद उनसे कागजात मांगे गए। विष्णु शर्मा ने तुरंत अपनी गाड़ी के सारे कागजात उस पुलिस वाले को दिखाया। जब उस पुलिस वाले को चालान काटने का कोई वजह नहीं मिली तो उसने हेलमेट का चालान काट दिया और 200 रुपए ले लिया। इसके बाद से विष्णु शर्मा जब भी कभी अपनी गाड़ी पर बैठते हैं तो सबसे पहले हेलमेट लगाते हैं, भले वो गाड़ी कार क्यों ना हो। और आखिरकार उस पुलिस वाले का नाम सामने आया जिसने चालान काटा था, उनका नाम प्रहलाद सिंह था। जब प्रहलाद सिंह से पूछा गया कि ये नियम कब से चालू हुआ कि कार के अंदर भी हेलमेट पहनना जरूरी है, तो प्रहलाद सिंह का कहना था असल में उन्हें सीट बेल्ट का चालान काटना था, उन्होंने गलती से हेलमेट का काट दिया। सही खेल गए।